बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं आवाज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप एसटीसी पे यूज़र हैं और आपको पता नहीं है कि एसटीसी पे कार्ड के अंदर ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं या बैलेंस लोड कैसे करते हैं, तो आज की इस वीडियो में नहायत ही आसान तरीके से तहवील और राजी ऐप के थ्रू मैं आपको सिखाऊँगा। बहुत ही आसान मेथड है, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी मोबाइल में तहवील और राजी ऐप ओपन कर लेनी है और आपने उसमें लॉगिन हो जाना है। तो दोस्तों, जब आप तहवील और राजी ऐप ओपन कर लेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ यूँ होगा। मेरे पास इधर दो ATM हैं, दोनों शो हो रहे हैं। मैं ई रेमिटेंस के अंदर जाऊँगा, यहाँ मेरे रियाल जो पड़े हुए हैं, बैलेंस पड़ा हुआ है वो 119 सऊदी रियाल है, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं 100 सऊदी रियाल जो है एसटीसी पे के अंदर ट्रांसफ़र करूंगा, कि कम से कम 100 होते हैं, इससे कम नहीं होते। तो इधर एसटीसी पे मैंने ओपन किया और इधर मैंने अपना पासवर्ड दिया, तो ये लोकेशन लाजमी मांगता है, लोकेशन ऑन होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो ये आपसे लाजमी मांगेगा। तो अभी मैंने अपना पासवर्ड दिया, वो यहाँ से एक दफ़ा हम जाएँगे गो टू सेटिंग के अंदर, ये देखें लोकेशन ऑन है। इधर से कोई भी एक बटन दबाएँ तो ऐप सर्चिंग शुरू कर देगी। तो जो ही हमारी एसटीसी पे ओपन होगी, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है वो 0 शो हो रहा है। ये आप कार्ड के नीचे देखें, इधर भी शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप ये आप देख सकते हैं, इधर 0 है। तो अभी हम इसके अंदर पैसे सॉरी रियाल ट्रांसफ़र करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने पेमेंट्स के अंदर। तहवील और राजी ऐप के अंदर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर आपने सबसे पहले पेमेंट्स के अंदर जाना है, यहाँ पर आपने करना है ऐड अ बिल। तो यहाँ पर हमने ऐड अ बिल किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं 207 एसटीसी पे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इंटरफेस कुछ यूँ होगा। सबसे ऊपर हमें अपना अकाउंट नंबर, बिल, सब्सक्रिप्शन नंबर, इधर हमने अपना सद्दात नंबर देना है जो हमारा एसटीसी पे के ऊपर बना हुआ है। इधर हम आ गए एसटीसी पे के अंदर, तो या ये ऊपर जो बैलेंस लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे, तो ये नीचे हमारे पास सद्दात का ऑप्शन है, ये हम इधर से कॉपी कर लेंगे। एक दफ़ा फिर दिखा दूं, अपने बैलेंस पे ट्रांसफ़र करें, क्लिक करें, तो ये आप देख सकते हैं इधर हमारा सद्दात नंबर है, ये हमने इधर से कॉपी किया और अपनी ऐप के अंदर आ गए। तो ये हमने अपने इधर रख के हमने इधर पेस्ट कर दिया और नीचे जो बिल डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे कुछ भी लिख दें। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जो लिखने लगा हूँ माई बिल, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, आप एसटीसी पे बिल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें आप। मैंने माई बिल लिखा और नेक्स्ट किया, नेक्स्ट कर दिया और ये हमारा जो है ना डिटेल आ चुकी है। यहाँ से फिर हमने नेक्स्ट करना है और यहाँ से हमने डन कर देना है, ऐड हमारा बिल हो चुका है। अभी एक प्रोसीजर है वो अभी अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने इसको व्यू करना है, ये रेड कलर का जो लिखा हुआ है, और यहाँ से एक्टिव कर दें, यहाँ से एक्टिव करना है तो हमारा बिल ऐड हो चुका है। अभी हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर 1 टाइम पासवर्ड आएगा, वो हम देंगे, तो यहाँ से डन कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो बिल ऐड हो चुका है। अभी दोबारा हम पेमेंट्स के अंदर जाएंगे तो ये देखें हमारा बिल ऐड हो चुका है। इसके ऊपर हमने बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे अभी मैं पहले 50 लिखने लगा हूँ, 100 से कम ट्रांसफ़र नहीं होते, जस्ट आपको बताने के लिए हम लिखेंगे 50 और इसको करेंगे नेक्स्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रेड कलर में एरर आ चुका है, अभी हम लिखेंगे 100, 50 हम काट देंगे और 100 लिखते हैं, ये 1000 हो गया, इसको काटते हैं थोड़ा। अभी ये हो गया 100 और यहाँ से इसको करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा टाइम लेती है ये एप्लीकेशन, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी ये देख सकते हैं मैसेज आ चुका है, हमारी पेमेंट सेंड हो चुकी है, लेकिन एसटीसी पे के ऊपर उसी वक्त पेमेंट हमारी पहुंच नहीं जाएगी, तकरीबन 5 मिनट आपके लेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह पेमेंट इसी मेथड के थ्रू जाती है एसटीसी पे से। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे पैसे सॉरी अभी यहाँ पे सऊदी रियाल कटे नहीं है। अभी हम जाते हैं एसटीसी पे के अंदर, यहाँ से थोड़ा सा बैक करते हैं। अभी ये देख सकते हैं आप बैलेंस हमारा इधर पहुँचा नहीं है। तो दोस्तों, ऊपर टाइम आप देख सकते हैं मोबाइल के ऊपर अभी 11:27 हुए हैं, ओके। तो हो सकता है 31-32 मिनट के ऊपर ये हमारा बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाए। पहले मैं आपको दूसरे मोबाइल के ऊपर दिखाता हूँ जहाँ पे मैसेज आ चुका है कि हमारी पेमेंट ट्रांसफ़र। तो दोस्तों, दूसरे मोबाइल के ऊपर आप देख सकते हैं ये मैसेज आ चुका है 11:29 पे, अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस ट्रांसफ़र हो चुका है। और ये ऐप के अंदर आप जाके देखें तो तब भी
अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस यहाँ पे आ चुका है 100 रियाल। अभी टाइम क्या हुआ है 11:31। तो अगर आप अपने कार्ड को लॉक लगाना चाहें तो लॉक का भी सिस्टम है, आप जाएंगे आपने पहले क्लिक करना है कार्ड के ऊपर, ओके। तो उसके बाद आप ये नीचे देखें सिक्योरिटी लॉक मोबाइल सॉरी लॉक कार्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें लॉक लग चुका है। नहायत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आपके कार्ड से कोई पेमेंट निकाल नहीं सकता, ना कोई ट्रांजैक्शन होगी। अभी आप ये दोबारा देखें, कार्ड के ऊपर क्लिक किया, दोबारा यहाँ पे क्लिक किया तो ये अभी अनलॉक हो जाएगा। अब ये देखें एक दफ़ा फ्री फ्रेश करें, ये अनलॉक हुआ। तो इस तरह आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता इसको, आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।